Hello students, today we will discuss on three domain system for BSc part 1 systems. प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष में आपने जो प्रवेश लिया तो यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी में डिफरेंस होगा. बॉटनी प्लांट साइंस को कहा जाता है. प्लांट साइंस में प्लांट और प्लांट की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना बॉटनी के अंतर्गत आएगा. बॉटनी स्टार्ट करने से पहले ओवरऑल व्यू अर्थ पर लाइफ जो होती है उस लाइफ को थ्री डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया गया है, या जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण इसको भी कहा जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे. इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये देखा होगा, इस स्लाइड पे आने से पहले अपन इस बात पे करते हैं कि सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आया. टू किंगडम सिस्टम में जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं थी, माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय नेकेड आई से देखे जाने वाले जीव ही थे. तो इन्होंने प्लांट और एनिमल, प्लांटी और एनिमेलिया, टू टाइप लिविंग वर्ल्ड डिवाइड किया का वर्गीकरण किया. फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया. थ्री किंगडम सिस्टम में प्लांट एनिमल और फंजाई की डिस्कवरी हुई, और माइक्रोस्कोपिक लाइफ के आने के बाद में क्लियर कट इसका वेरिएशंस आ गया. प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा. प्रोकैरियोटा में उन सभी माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्लांट और एनिमल लाइफ को रखा गया, या लाइफ को रखा गया जिनमें माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल इंडिविजुअल्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, और इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव लाइफ होती है, असंख्य इनकी संख्या होती है, और इनको जनरली सामान्य परिस्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इनका डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है. ऑन अदर हैंड बैक्टीरिया एंड आर्किया इसमें रखा गया है, तो इनको माइकोटा कहा गया. फिर मोनेरा भी इनको नाम दिया, सॉरी माइकोटा नहीं, मोनेरा नाम दिया गया इनका. मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा में डिफ्रेंशिएट किया गया. प्रोटिस्टा फर्दर आगे जाकर के फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी में डिफ्रेंशिएटेड किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड आर्किया आर प्रोकैरियोटा या मोनेरा में इंक्लूड किया गया. देन यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटा में वो सभी जीव सम्मिलित हैं जिनमें जिनको नेकेड आई से देखा जा सकता है, जिनका सेलुलर कंपोनेंट एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बना रहता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है, और क्लियर कट इनडिस्टिंग्विश होते हैं जिनमें सेल न्यूक्लियस स्पष्ट होता है और सारे सेल ऑर्गेनेलीज इसमें स्पष्ट होते हैं, है ना. हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये आएगा टू किंगडम सिस्टम. टू किंगडम सिस्टम कार्ल लिनियस ने दिया 1758 में, जिसमें इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में डिफ्रेंशिएट किया. टू किंगडम सिस्टम के बाद में थ्री किंगडम सिस्टम आया जिसको हेकल ने दिया. उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटेस्टा में डिफ्रेंशिएट किया. प्लांटी में कंप्लीट प्लांट इसमें इंक्लूड किए गए, एनिमेलिया में कंप्लीट एनिमल्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप. इसी तरह से प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्लांट या एनिमल्स इंक्लूड किए गए. फिर फोर किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया 1956 में. उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक प्लांट और यूकैरियोटिक एनिमल में डिफ्रेंशिएट की. मींस मोनेरा में सब प्रोकैरियोटिक प्लांट और प्रोकैरियोटिक एनिमल को प्लेस किया गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जो विजिबल प्लांट है उनको, स्मॉलेस्ट प्लांट स्मॉल प्लांट उनको एक प्लेस दिया गया, और हायर प्लांट्स को यूकैरियोटिक प्लांट्स में, प्लांटी जिसको कहा गया, और हायर एनिमल्स को यूकैरियोटिक एनिमल्स में डिवाइड किया गया.
फिर फाइव किंगडम सिस्टम आया। फाइव किंगडम सिस्टम 1969 में आया, जो विटेकर ने दिया, आर एस विटेकर ने दिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आर एस विटेकर ने फंजाई को भी प्लेस दिया, फंजाई को इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल डिवीजन में डिफ्रेंशिएटेड किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया रखा गया है ना। मोनेरा में कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक लाइफ को इंक्लूड किया गया, माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले। प्रोटेस्टा में माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल्स, जो माइक्रोस्कोपिक से थोड़े से बड़े और इनसे छोटे होते हैं। फंजाई में क्लियर कट नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। प्लांटी में कंप्लीट प्लांट, हायर प्लांट, एनिमेली में एनिमल्स। उसके बाद में सिक्स किंगडम सिस्टम ग्रे एंड डेलाइट ने 1982 में किया। इनके अकॉर्डिंग सुपर किंगडम बना दिए। सुपर किंगडम दो ही बन गए, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। तो ऐसा इंडिविजुअल ग्रुप जिसमें सभी जीव प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ होते हैं, लाइफ साइकिल क्लियर करते हैं, उनको प्रोकैरियोटा ग्रुप में रह देता है। ऐसे कंप्लीट ऐसा सुपर ग्रुप जिसके कंप्लीट जीव यूकैरियोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनको यूकैरियोटिक में रह गया। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं जिसमें सामान्य परिस्थितियों में सिंगल सेल इंडिविजुअल्स थे, सिंगल सेल लाइफ मेंबर थे। सिंगल सेल लाइफ मेंबर में न्यूक्लियस या केंद्र की स्थिति प्रिमिटिव प्राथमिक प्रकार की होती थी। कोशिकांग भी विभेदित नहीं होता, स्पष्ट नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस स्पष्ट होता है और सेल ऑर्गेनलीज, डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज स्पष्ट होते हैं। सेलुलर कंपोजिशन हार्ड कॉम्प्लेक्स होता है और सेलुलर कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इनमें जटिल जीवन प्रक्रिया भी होती है ना। तो प्रोकैरियोटा जो ग्रुप बनाया उसमें उन्होंने किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया बनाया। आर्कियोबैक्टीरिया में कंप्लीट बैक्टीरियल फॉर्म थी और जबकि यूबैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, इंक्लूड किए गए। आर्कियोबैक्टीरिया में बैक्टीरियल फॉर्म है, यूबैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे आपने एल्गी पढ़ी, शैवाल जो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, साइनोपैसिक मेंबर थे। स्मॉलेस्ट इन साइज, माइक्रोस्कोपिक होने के कारण इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। देन यूकैरियोटा की बात करें तो यूकैरियोटा में सबसे पहले प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा में माइक्रो एल्गी इंक्लूड की गई, फाइटोप्लैंकटन्स इंक्लूड किए गए। माइक्रो एल्गी में सूक्ष्म शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया से बड़े होते हैं उसके, और हायर और कॉम्प्लेक्स जटिल से थोड़े से छोटे होंगे। माइक्रो एल्गी भी इंक्लूड की गई है। फाइटोप्लैंकटन्स ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र या पानी की सतह पर, सी सरफेस पर फ्री फ्लोटिंग करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई का पार्ट है और प्रोटोजोआ मीन स्मॉलेस्ट एनिमल्स हो गए। इसके बाद में जो ग्रुप बनाया उन्होंने फंजाई बनाई, स्लाइम मोल्ड्स भी फंजाई का पार्ट है पर ये ट्रू फंजाई नहीं है। ट्रू फंजाई को अलग ग्रुप दिया गया, स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टा में प्लेस दिया गया। इसके बाद में प्लांटी की बात करें, प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लेस दिया गया और उसके बाद फर्दर जो एनिमल है वो एनिमेलिया ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी अपना जो मेन प्लांट ग्रुप बनेंगे वो ये बनेगा, एल्गी फंजाई। एल्गी और फंजाई का इवोल्यूशन पैरेलल है, साथ साथ इनका विकास हुआ है, इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। लगभग सेलुलर स्ट्रक्चर प्लांट का, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, माइसीलियम, हाइफी, इनका लगभग एक पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक करता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, जबकि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक प्लांट है। इनका इवोल्यूशन और स्टडी पैरेलल लाइन में होता है। एल्गी के बाद फंजाई, फंजाई के बाद में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे,
ट्रायोफाइटा का एवोल्यूशन एल्गी से होता है, ये फोटोसिंथेटिक लाइन है इसलिए इनको अलग कर दिया। इसके बाद में ट्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोसोम और जिम्नोसोम से एंजियोसोम, इन सब की कंप्लीट स्टडी अपन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटनी क्या है या बॉटनी का किस तरह से ये लिया गया उसके बारे में अपन बात करेंगे। कि सबसे पहले तो प्लांट और प्लांट की वाइटल एक्टिविटी वो बॉटनी में पढ़ेंगे, पादप और पादपों की जैविक क्रियाएं का अध्ययन बॉटनी के अंदर किया जाएगा। अब प्लांट और प्लांट की जैविक क्रियाओं की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट कहेंगे किसका, ये एक अर्थ पर पाए जाने वाले कंप्लीट जीवों का एक सिनरेरियो है। इस सिनरेरियो में अपन प्लांट, वी वुड लाइक टू टेल प्लांट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ओके, जस्ट लाइक एल्गी हैव सेल मेम्ब्रेन, फंजी हैव सेल मेम्ब्रेन, यस, देन माइक्रोस्कोपिक एल्गी आल्सो हैव सेल मेम्ब्रेन, फाइटोप्लैंकटन हैव सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम मोल्ड्स हैव सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया है आल्सो हैव सेल मेम्ब्रेन, साइनोबैक्टीरिया है आल्सो सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे प्लांट, ऐसे जो भी इंडिविजुअल्स है, जीव जगत में पाए जाने वाले जीव है जिनमें अपनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेलुलोज की भी बनी, ऑलमोस्ट सेलुलोज की ही बनी रहती है, कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें सेलुलोज की नहीं बनी रहती, एक मार्जिन लाइन डिसाइड होती है प्लांट और एनिमल्स को। जैसे अपन ये बात करते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस, द ओरिजिन ऑफ मदर अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पर ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से टूट करके अलग हुई। पृथ्वी जब सूर्य से टूट के अलग हुई तो क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर था, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होने के कारण उस पर क्या था, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर था और इनर्ट गैसेज थी, तो इनर्ट गैसेज उनको बोलते हैं, अक्रिय गैसेज उनको बोलते हैं जो सामान्य अवस्था में क्रियाशील नहीं रहती है, परंतु एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होने के कारण कुछ गैसेज इनर्ट गैसेज ने इंट्रैक्शंस किया और इनर्ट गैसेज ने इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन किया और कालांतर में लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाद में, बड़े लंबे समय के बाद में इंटरमीडिएट कंपाउंड ने की रिएक्शन से पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ, ठंडी होती गई पृथ्वी और पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ और उस पानी में जो सबसे पहले जीव बने उनको कोएसर्वेट्स कहा गया। इन जीवों को ऐसा माना जा रहा है कि इनको साइनोबैक्टीरिया, छोटे छोटे स्मॉल लाइफ की फॉर्म में उनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता। इन साइनोबैक्टीरिया की अगर स्टडी करें तो एक्चुअली इट वॉज प्लांट सेल और इसी से अर्थ फॉर फर्दर इवोल्यूशंस हुआ, है ना। तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये चार ऐसी डेडलाइन है जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे और प्लांट की इंट्रोडक्टरी फॉर्म बनेगी है। तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि पादप, पादप में माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होंगे, बैक्टीरिया भी प्लांट में इंक्लूड किया जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा भी प्लांट में इंक्लूड किया गया है, माइक्रो उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, है ना, लोअर एल्गी टू हायर एल्गी, ये सब प्लांट ऐसे इन सबको प्लांट में इंक्लूड किया गया है, क्लियर। फंजाई एकमात्र ऐसा प्लांट ग्रुप है जो हेटरोट्रॉफिक होता है, स्वपोषी नहीं होता, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी इंट्रोडक्टरी लाइफ साइकिल को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज अपन इतना।